सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आप लोगों को मैं दिखाने और बताने वाला हूं दोस्तों कि मोदी नगर नॉर्थ से लेकर और मोदी नगर साउथ के बीच में मैं इस वीडियो को आप सभी के बीच में दिखाने वाला हूं दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर वर्क चल रहा है वो चल रहा है, देखो पैराफिट बॉल तो लगा दिए जा चुके हैं, जिस पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाए जाने हैं उस पर वही पैराफिट बॉल बचे हुए हैं लगने के लिए। देख सकते इतने ये बचे हुए हैं और नीचे की ये आपको बता दूं ये सेफ्टी बोर्ड हटाते चले जा रहे हैं और यहाँ पर बीच का डिवाइडर ये बनाते हुए चले जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ तो ये बायोडक्ट बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। अब इस पर जो वर्क किया जाना है वो दोस्तों इस पर ट्रैक स्लैब बिछाए जाएंगे। ट्रैक स्लैब बिछाने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो क्योंकि ये अभी रिसेंटली में ही बायोडक्ट जोड़ा गया है और यहाँ से थोड़ा सा ये कर्व ले लेगी, इसलिए आप सभी को ये डबल पिलर यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे नाला आ जाता है तो इसी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा कर्व ले लेती है मेरे राइट हैंड पर। और मैं अभी आ रहा हूँ दोस्तों साउथ के स्टेशन से, तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टील के चार गाटर लगे हुए हैं क्योंकि नीचे नाला है, नाले को क्रॉस करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये स्टील के गाटर लगाए गए हैं। और देख सकते हो पैराफिट बॉल लगा दिए जा चुके हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगेंगे वही पैराफिट बॉल बचे हुए हैं इस पर लगने के लिए दोस्तों। और आपको बता दूँ दोस्तों कि जैसे जैसे हम मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के पास में पहुंचेंगे वैसे वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर पैराफिट बॉल लग जाने के बाद में काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और ये सेफ्टी बोर्ड हटाते चले जा रहे हैं और इस सेफ्टी बोर्ड को हटाने के बाद में फिर दोस्तों इस पर बीच का डिवाइडर बनाते चले जाएँगे दोस्तों। और जो ये पूरा रूट 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, ये 30,274 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसमें से 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है दोस्तों वो अंडरग्राउंड है यानी कि ज़मीन के अंदर है और 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों बिल्कुल एलिवेटेड है ऊपर। तो देख सकते हो ये मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन आ चुका है, इस पर क्या वर्क चल रहा है आप लोग देख सकते हो, क्योंकि गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है प्लेटफॉर्म लेवल पर। और जो कॉन्कोर्स लेवल है दोस्तों उस पर भी देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है, इस पर ये बीम डाला जा रहा है, बीम डालने के बाद में फिर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा दोस्तों। और इसमें स्टेशन के अंदर दोस्तों अब दीवारें खड़ी की जा रही हैं, दीवारें लगाई जा रही हैं, स्टेयर लगाए जा रहे हैं और इस पर क्या एस्केलेटर भी लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी बहुत तेज़ी के साथ में इस पर वर्क चल रहा है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन पर, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों, क्योंकि इस पर ये गाटर लॉन्चिंग का काम तो बहुत पहले ही हो चुका था और मैं 2 महीने से आप सभी को कोई अपडेट नहीं दे पाया था। तो देख सकते हो ये बायोडक्ट बचा हुआ है जॉइंट करने के लिए, जो कि लॉन्चर यहाँ पर ये लगा हुआ है मोदी नगर नॉर्थ का, ये बायोडक्ट बस इतना ही बचा है 2 पिलर का और 2 पिलर को कनेक्ट करते ये पूरा बायोडक्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों हमारे आनंद विहार से लेकर और मेरठ के साउथ स्टेशन तक दोस्तों, जो मेरठ का साउथ स्टेशन है ना वहाँ तक ये बिल्कुल बायोडक्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एलिवेटेड है। तो 17 किलोमीटर का पार्ट तो आपको बता दूं कि साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में 17 किलोमीटर पार्ट है और इधर का पार्ट देख लो कितना होगा दोस्तों, दुहाई से लेकर यहाँ पर मेरठ साउथ के स्टेशन तक आप लगा सकते हो कि कितना होगा। तो आप लोग देखो निकलते हुए चल रहे हैं और बाकी पूरा वायोडक्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब इस पर बस से ट्रैक स्लैब डाले जाएंगे और फिर उसके बाद में ट्रैक बिछाया जाएगा, इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने हैं, उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाना है, उसके बाद ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा बिल्कुल लास्ट में दोस्तों। तो अभी वर्क तेज़ी के साथ में चल रहा है इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर को दोस्तों बनाया जा रहा है और 82 किलोमीटर का पार्ट है दोस्तों। दिल्ली के ये निजामुद्दीन यानी कि सरायकाले खां से स्टार्ट होता है दोस्तों और ये जाएगा मेरठ के मोदीपुरम तक दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा ये शुरुआत की गई है, हमारे देश में पहली बार ये
सरकार आई है और बना रही है इस चीज़ को, मोदी सरकार। और देख सकते हो पैरा ये के इसके जो बीच के डिवाइडर बनाने का काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। पत्थर वो पड़े हुए थे यहाँ पर, देखो यहाँ नहीं बना है, ये अभी लगे हुए ट्रैक स्लैब देखो ये रखे हुए हैं, ये इसके ऊपर बिछाए जा रहे हैं। और देख सकते हो बीच के डिवाइडर के लिए ये पत्थर आ चुका है, ये भी लगाया जा रहा है। सेफ्टी बोर्ड का हटाया जा रहा है अब दोस्तों तेजी के साथ में। और जो ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हो ये है मोदी नगर की, इसमें मोदी नगर में अभी हम चल रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों देता रहता है। और आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमें नीचे लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत आप सभी लोगों के बीच में पर डे वीडियोस लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। डेली मेरठ आ रहा है टीएस कॉरिडोर का दोस्तों, देख सकते हैं ये बीच का डिवाइडर बन गया है ना, बना दिया। और उधर का अभी बचा हुआ है वो सेफ्टी बोर्ड हटाएंगे उन्होंने भी, फिर ये बिल्कुल रास्ता क्लियर हो जाएगा, चौड़ा भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जाम जूम का लफड़ा रहता है, स्लो डाउन रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे मोदी नगर साउथ के स्टेशन के लिए दोस्तों, वैसे वैसे देख सकते हो बीच के डिवाइडर को बना देने का काम चल रहा है, बना दिया जा चुका है, बीच बीच में बचा हुआ है वो भी किया जा रहा है। और ट्रैक स्लैब इस पर डाले जा रहे हैं अब, इस पर रूट पर बायोडक्ट पर बिल्कुल क्लियर हो ही चुका है दोस्तों। जो थोड़ा सा बचा हुआ होता है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के पास में ही, वो भी अब जोड़ दिया जाएगा दोस्तों, दो एक हफ्ते में ही, बल्कि दो हफ्ते में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके जो भी वर्क बचेगा दोस्तों वो स्टेशन का बचेगा। और बायोडक्ट पर तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही उस पर काम चल ही रहा है, अभी तो इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगने हैं दोस्तों, अभी तो बस बायोडक्ट की तो बना है। और इस पर ट्रैक स्लैब डालने में क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है, इस पर ट्रैक बिछाने में इतना टाइम नहीं लगता है दोस्तों, ट्रैक स्लैब बिछाने में टाइम लगता है क्योंकि इसको उसका सरियाओं का जाल बनाया जाता है, फिर उस पर रखा जाता है, फिर उसमें कंक्रीट भरी जाती है, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग रहता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं चल के आगे, तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा।
दोस्तों ये आ चुका है मोदी नगर साउथ का स्टेशन, देख सकते हो तस्वीरें। इस पर प्लेटफॉर्म लेवल पे अभी गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और जो कॉन्क्रीट लेवल का काम है वो देखो दीवारें उठा दी जा चुकी हैं। इस पर अब नीचे पत्थर लगाया जा रहा है और इस पर एक्सीलेटर लगाए जाएंगे। इस पर अभी सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं दोस्तों, वो भी काम चल रहा है, देख सकते हो सेटरिंग लगी हुई है। और आपको बता दूं दोस्तों के दोनों साइडों में अभी इस पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का भी काम किया जाएगा दोस्तों, दोनों साइड में फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।